गुड मॉर्निंग, एक नया डे स्टार्ट होने वाला है। मेरा नाम है शुभ और ये मेरा चैनल पास टू ट्रैवल। मैं हूँ अभी पेनांग में और मैं जाने वाला हूँ अभी इफो। गुड मॉर्निंग। सो कल मैं पूरा तो नहीं बोलूँगा, पूरा पॉसिबल भी नहीं है एक दो दिन में किसी सिटी को घूमना जानना, लेकिन यहाँ पे का जो जॉर्ज टाउन है वहाँ पे 58 प्लेस है भी नहीं घूमा 58 प्लेस। एक मैप बनाया था वहाँ पे, मैं थोड़ा बहुत जॉर्ज टाउन के इधर उधर घूमा, क्योंकि जॉर्ज टाउन ऐसा एक प्लेस है, पहले तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ऊपर से ये एक ओपन म्यूजियम है। आप कहीं पे भी जाओ कुछ ना कुछ आपको देखना मिलेगा, पुराना मंदिर, पुराना चर्च, पुराना बिल्डिंग, हिस्ट्री, कल्चरल कम्युनिटी, बहुत ही क्रिएटिव स्ट्रीट आर्ट, नाइस कैफे, जेटी, चाइनीज क्लैन जेटी, सुपर आइसक्रीम, सुपर स्ट्रीट फूड, बहुत कुछ फूड है जो ऑथेंटिकली पेनांग से ओरिजिनेट है। मैंने 4-5 ट्राई किया, सब तो ट्राई नहीं कर पाऊँगा, जो सबसे फेमस है वो सब ट्राई किया। सो मुझे ये लगा, जितना दिन मैं मलेशिया ट्रैवल कर रहा था, कुआलालंपुर, लंकावी, मुझे सबसे अच्छा लगा मलाका और देन पेनांग का जॉर्ज टाउन। सो आप भी जब भी आओ तो कुआलालंपुर तो डेफिनेटली से आप आते हैं तो आपका प्लान में पेनांग रख सकते हो। उतना कॉस्टली नहीं है पेनांग, होटल आप बजट में मिलेगा। जब भी आप नॉर्मली अभी होटल का क्या है सब जानते हैं, booking.com या ऐसा कुछ ऐप है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। और नॉर्मली 1000 रुपीज से लेके जितना बढ़ा सकते हो वहाँ पे बढ़ा सकते हो, क्योंकि इस पेनांग आइलैंड में बहुत सारा 5-स्टार भी है, बहुत सारा 2-स्टार 3-स्टार भी है, बहुत सारा एयरबीएनबी का प्रॉपर्टी है। मैं नॉर्मली गेस्ट हाउस या हॉस्टल में रुकता हूँ पेनांग में, हॉस्टल में रुका हूँ वो है टीडो हॉस्टल, जैसे पूरा बिल्डिंग हॉस्टल है। सो अभी मैं उसी का ही हॉल रूम में बैठ के कॉफ़ी पी रहा हूँ। सो पेनांग मस्ट विजिटेड प्लेस है, मिनिमम 2 से 3 दिन आप यहाँ पे आराम से प्लान कर सकते हो अगर आपके पास इतना प्लान है वो देख लो। बट एक चीज़ देख लेना, बहुत सारा एयरबीएनबी बोलो, बहुत सारा हॉस्टल और गेस्ट हाउस बोलो, टाइमिंग सब स्टार्ट होता है 2 या 3 बजे से, चेक इन स्टार्ट होता है 2 या 3 बजे से, बहुत सारा टाइम है, उस हिसाब से प्लान कर लेना। यहाँ पे कोई भी होटल, गेस्ट हाउस, हॉस्टल 11 बजे 10 बजे 12 बजे नहीं मिलता, सब मिनिमम मिलता है 2, 2.5, 3 ऐसा, बहुत सारा होटल 3:30 भी, और चेकआउट टाइम 11 से 12। सो ये चेक कर लेना। ओके, सो आज मैं पेनांग से जा रहा हूँ इफो। इफो और एक अंडररेटेड सिटी है, मुझे अच्छा लगा इफो का वाइब, जैसे मैंने कुछ वीडियोस देखा है, तो चाहता हूँ आज इफो। यहाँ से पेनांग से इफो, पेनांग से कुआलालंपुर तो डायरेक्ट ट्रेन है, बस है, लेकिन आपको पेनांग आइलैंड से मेल आइलैंड जाना पड़ेगा। उस आइलैंड का, उस मेन जगह का नाम है बटरवर्थ। बटरवर्थ से आपको बस, ट्रेन सब मिलेगा कुआलालंपुर जाने के लिए। एक सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन भी है कुआलालंपुर जाने के लिए। सो मैं पहले यहाँ से जेटी जाऊँगा, जेटी से बटरवर्थ, बटरवर्थ से बस ट्रेन जो मिले उसमें इफो जाएंगे। सो लेट्स सी क्या होता है। और मेरा नाम है शुभ और ये मेरा चैनल पार्सो ट्रैवलर। मैं हूँ अभी मलेशिया में, मलेशिया का 2-3 शहर होने के बाद मैं आया हूँ पेनांग,
और आज मैं पेनांग छोड़ के जा रहा हूँ इपो। इपो बहुत छोटा सा नाम है लेकिन बहुत साउंड गुड नाम है। सो चलो चलते हैं इपो। एनीवे गुड मॉर्निंग। Asif, okay, thank you very much. Yeah, you need to my sign, find anything? Yeah, no, already sir. All nine? Yeah. Anyway, thank you very much. Yeah, see you next time. Yeah, so I am getting bus this side. Yeah, this side. This jetty, huh? This side. Thank you. Good morning. एक नया डे स्टार्ट होने वाला है। मेरा नाम है शुभो और ये मेरा चैनल पास टू ट्रैवलर। मैं हूँ अभी पेनांग में और मैं जाने वाला हूँ अभी आईफो इफो इफो द लोकल जो प्रोनाउंसिएशन है इफो। सो माय हॉस्टल टीडो हॉस्टल ठीक ठाक था, क्लीन, बहुत स्पेस था। अब आराम से एक बहुत बड़ा हॉल भी है ऊपर, बट इट्स ओके। क्या है ना, अभी मुझे एक बस पकड़ना है। वो बस पकड़ में जाऊंगा यहाँ का जो फेरी है वहाँ पे, और फेरी पकड़ के जाऊंगा बाटा रोड। बाटा रोड ऐसा एक प्लेस है जहाँ से मुझे ट्रेन भी मिल सकता है और बस भी मिल सकता है इपो के लिए, और इपो एक मलेशिया का अंडररेटेड सिटी है। सो लेट्स गो। जॉर्जटाउन चालन से था। नॉर्मली जब वॉकिंग करता था तो बहुत बस देखा, और अभी पता नहीं एक बस आ रहा है। बैक टू बैक दो बस है, कुछ किसी ना किसी में तो पहुँच ही जाऊँगा, अदरवाइज ग्रैब कर लूँगा क्योंकि मेरे हाथ में बहुत टाइम है। मेरा होटल इफो का 2 बजे में है और मेरे हाथ में 3 घंटा अभी टाइम है। कहाँ रुकेगा वही तो नहीं मालूम। नहीं नहीं, ये इंडिया जैसा नहीं है। अब मैंने सोचा था जैसे हाथ दिखाऊंगा आवाज खड़ा हो जाएगा, नहीं हुआ तो मुझे बस स्टैंड आना पड़ा। या दिस वन इज बस स्टैंड, यहाँ पे आपको रुकना है, यहाँ पे साइन भी हुआ है लाइक दिस। सो मैंने वहाँ पे खड़ा हो कैसे हाथ दिखा रहा था बस को, बस बोले है चल और गया। कम होगा और ये बेसिकली जो होटल है हॉस्टल है उन लोगों को थोड़ा ये इन्फॉर्मेशन पास करना चाहिए। आपको बस पकड़ना है तो प्रॉपर बस स्टैंड जाओ, बस स्टैंड यहाँ पे। वो लोग बोले इधर से बस मिलेगा, तो मैंने बस तो ओके है, बस मिलेगा तो मालूम है, बस बस पकड़ना भी तो चाहिए ना। बस देखो और हाथ दिखाओ चला जाओ तो नहीं होगा। 2 बस निकल गया, चलो बस तो आ ही जाएगा। बस जेटी, या हाउ मच? 140। रोड मैप मुझे नहीं मालूम।
पाँच छः मिनट में आपको एक बस मिल ही जाएगा। ये अगर मैं ग्रेफ करके जाता हूँ तो 5 ब्रेक इन के आसपास कुछ लगता है। चल ठीक है, स्टार्ट अच्छा ही हुआ है। यहाँ पे और यहाँ पे ऊपर ये है वो बस जो मैं यहाँ पे आया हूँ, रैपिड पेनांग। चलो सर्विस अच्छा है, लेट्स गो। यहाँ पे ही बस स्टैंड है और बस स्टैंड के पीछे ही पनंकलन राजा तुन उदा, पनंकलन फेरी राजा तुन उदा। ये बेसिकली फेरी सर्विस यहाँ से पेनांग सेंट्रल तक है और आप बोल सकते हो बटर रोड उस प्लेस का नाम। सो लेट्स गो। हाँ जी, आप लग रहा है थोड़ा हलचल है, उस तरफ था बस स्टैंड मेरे ख्याल से वो निकलने वाला तो कुछ है, वहाँ पे कोई रास्ता नहीं था अंदर जाने के लिए, बट दिख रहा था। सो अभी प्रॉपर मुझे मिल गया फेरी का। सो लेट्स गो। एनिमल नॉट अलाउ, डॉग्स, बर्ड, गोट, कैट्स। आराम से। भाई बहन सर, वन बटर ओट। हाउ मच? टू। ओके, नो 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 मोर कैश, सॉरी। नो सर, नो 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 मोर कैश। कार्ड यू ने दिस कार्ड। सो यहाँ पे 2 रिंगिट लगता है, लेकिन कार्ड चाहिए आपका। डन। यप, थैंक यू सर। बाटा रोड टू ईफो, देयर इज अ डायरेक्ट बस राइट? या ट्रेन, बस एंड ट्रेन बोथ। ओके थैंक यू। सो लेट्स गो। सो स्कैन हियर, ओपन पलंग राजा थून। यार सब खाली हो गया, फेरी में सब बैठ गया क्या? मत जाओ मुझे छोड़ के। हे बेबी, हे बेबी। यू नीड दिस, दिस वे। या थैंक यू। There is a old ferry. Yeah, old Penang. Nice. Ticket? Yeah.
डेबिट कार्ड डजंट मैटर. अब जब इंडिया से आते हो आपका जो ही कार्ड है बस इंटरनेशनली एक्टिव करा लो, यहाँ पे बहुत कुछ कार्ड से पेमेंट होता है, कैश नहीं होता है लाइक दिस पेडी सर्विस. यहाँ पे एक बहुत बड़ा शीट है, पुराना हो गया बट इंडिया पे भी कुछ पेंटिंग करके एक अलग ही स्ट्रक्चर था, एक अलग ही स्ट्रक्चर करते हैं यहाँ पे. सो इट्स अ ओल्ड हेरिटेज शिप. Excuse me, where is this train station? I want to go Ifo. You take a left, you just follow the passengers going up. Okay. You need to go up. Up. Yeah. Go up. You take a lift. Okay. Go up. Turn left. Okay. Walk into the next building. Okay. Take a right. Okay. Just follow the signbox. Okay. The train is going to Ifo, right? There's a lot of trains. Okay. It goes to Ifo, KL, everything. Okay. Thank you very much, sir. Okay. Train to hai. So let's go train station. Welcome to Panglang Sultan Abdul Halim. L1. Upar jana padega. Train ke liye upar jana padega. Jo bahut acha ek cartoon painting hai. But main stair le leta hu. मैं ऐसा बंदा और लाइन पे रुकने वाला नहीं हूँ. मैं अच्छा नहीं लगता लाइन पे रुकने. हाँ, इट्स अबाउट फूड. ओके विद दैट. क्या है ना, सीरियसली थोड़ा सा स्ट्रगल होता है सब बैग लेके जाना, फैमिली से दूर रहना, श्वेता से दूर रहना. बट ये जो जर्नी होता है ना, अच्छा भी लगता है. अभी 6 किलो का बैग लेके बहुत देर वॉक कर रहा हूँ, टायर्ड हो रहा हूँ, फिर भी ये लग रहा है. सॉरी, वेयर आर यू गोइंग? बस. यू नो वेयर द गुड बस? सॉरी, अमी बस. एंड ट्रेन स्टेशन? Down. Sorry, train station this way. Train station this way. Okay, you want to go back. Thank you, bye. Yeah. Train station. So. लेकिन ये हुआ कि इस गर्मी में, मतलब 38 डिग्री गर्मी में घूमना, रोड साइड फूड ट्राई करना, इधर उधर बस चुपचाप घूमना, लोकल के साथ मिलना, अच्छा लगता है. सो परफेक्ट टाइम में मैंने टिकट ले लिया ईपो के लिए. 12:10 बजे यहाँ का ट्रेन जाएगा, 12:10 में ये ट्रेन स्टार्ट होगा. तो अभी बेसिकली
12 बजने वाला है. सो टिकट 12 रिंगित. रैंडम सीट आपको बैठ सकते हो. मुझे बस एक विंडो सीट चाहिए और मुझे एग्जैक्टली पता नहीं ईफो कितना टाइम लगेगा यहाँ पे जाने के लिए. ईफो अच्छा वो ये बेसिकली यहाँ से ईफो ही जाएगा. हाँ ईफो IPOH ईफो आईफो. नेक्स्ट ईफो के लिए ट्रेन 2 घंटा बाद है 2:20 ऐसा कुछ है. तो आप टाइमिंग एक बार चेक कर लेना इंटरनेट से. मैंने देखा था ये 12 बजे एक ट्रेन है तो उसका ही ये कस्टमर यहाँ से आया. Two seating arrangement, clean. Penang to Ipoh basically 1 hour 40 minutes का train ride है. बस करके जाओगे तो आप 2 से 2.5 घंटा लग सकते हैं और 3 घंटा भी लगता है depend on the jam. नॉर्मली ट्रेन बहुत ईजी है. 1-2 घंटा बाद वाली ट्रेन है. मेरा ये ट्रेन का टाइमिंग था 12 बजे. मेरा ये ट्रेन का टाइम था 12:10. इसके बाद 2:10 PM में और एक ट्रेन है. सो दैट्स इट. अभी ट्रेन में हूँ. ट्रेन बहुत क्लीन सुपर फास्ट. ट्रेन बहुत क्लीन एसी है ठीक ठाक. यहाँ के सब ट्रेन में ही एसी है. ऐसा कोई लोकल मतलब इंडिया श्रीलंका में जैसा ट्रेन चलता है नॉर्मल विदाउट एसी ऐसा कुछ नहीं है. सभी लाइक लुक लाइक मेट्रो बट इट्स कॉल्ड ट्रेन. एग्जैक्टली 2 घंटा लगा ईपो पहुंचने के लिए. सो मेरा बैग लेता हूँ. वेलकम टू एक हिंदू टेम्पल दिख रहा है. सो आई वांट टू नो व्हाट इज द टैक्सी स्टैंड. टैक्सी यू मस्ट गो आउटसाइड. सो ये वाला ट्रेन अभी बटर रोड से आया है. सो अभी ये बटर रोड की बैक करके जाएगा लाइक दिस. इपो स्टेशन ये भी बहुत पुराना एक स्टेशन है. This way, and that is the train to Ipoh to Kuala Lumpur, right? Yeah. What's the time? You know? 3:30. 3:30. Yeah. Every day 3:30. Yeah. Okay. Thank you. Okay. So Kuala Lumpur के लिए every day 3:30 का train है. Let's try. So Ipoh बटर रोड. जैसे मैं बटर रोड से ट्रेन पकड़ा था और Ipoh आया. कामोंटिंग सो यहाँ पे सॉरी Ipoh टू KL सेंट्रल जाने के लिए सुबह 5:30 बजे से 6:35 तक आपका आपको ट्रेन मिलेगा. दिस वन इज अराइवल. हाँ तो 5:30, 8:20, 12:30. मैजेस्टिक वॉक. सो
मैं हूँ अभी ईपो रेलवे स्टेशन। ये एक बहुत पुराना ब्रिटिश एरा का रेलवे स्टेशन है एंड इस मलेशिया में वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टेशन आप बोल सकते हो। एक ब्रिटिश, मैं आपको दिखाता हूँ ईपो रेलवे स्टेशन। ये थोड़ा सा विक्टोरियन स्टाइल में ये स्टेशन का स्ट्रक्चर है। गर्मी है बाहर बहुत, सो दिस इज ईपो रेलवे स्टेशन। दीवान बंदरन ईफो 1914। या सो ये स्टेशन भी, मतलब ये जो पूरा ईफो का स्टेशन है, ये 1914 में ये बनाया गया था। बेसिकली जो आर्किटेक्चर है वो ब्रिटेन का है और ईफो स्टेशन और कुआलालंपुर स्टेशन सेम आर्किटेक्चर नहीं बनाया था। ये वाइट कलर का है और एक टाइम नॉर्मल अभी भी ईपो एक बहुत, ईपो रेलवे स्टेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेशन है। ये जो डिस्ट्रिक्ट है पेराक, ये जो डिस्ट्रिक्ट है पेराक, यहाँ का मेन स्टेशन है ईपो। यहाँ से आप कुआलालंपुर जा सकते हो, यहाँ से आप पेनाम जा सकते हो। सो इट्स अ नाइस, सो चलो मैं अभी हॉस्टल जाने के लिए गाड़ी बुक करता हूँ। यहाँ पे एक होटल भी हुआ करता था कभी, स्टेशन होटल ईफो, लेकिन अभी वो नहीं है। मैजेस्टिक स्टेशन होटल ईफो, क्या था ना एक टाइम पे जो ओल्ड एरा का जो होटल है, ओल्ड स्ट्रक्चर है। हाँ, नाउ ईफो एक बेसिकली एक अंडर रेटेड सिटी है। बहुत सारे टूरिस्ट कम आते हैं लेकिन आना स्टार्ट हो गया। मैं भी बहुत ट्राई कर रहा था कुछ ऐसा प्लेस में, ऑफ बीट प्लेस में जाने के लिए। सो मुझे ईफो का नाम ही पहले आया था तो मैंने ईफो चूज़ किया। सो नाउ आई एम बुकिंग माई ग्रैब कार, करता हूँ।